Hello everyone, welcome on virtual learning classes. आज हम लोग class 12th का NCERT का second chapter sexual reproduction in flowering plants पढ़ेंगे. Majorly NCERT में जो दिया है sexual reproduction in flowering plants में पढ़ने को वो है, पहले तो हम लोग समझेंगे कि फ्लावर क्या है, ठीक. सेकेंड है प्री फर्टिलाइजेशन. और प्री फर्टिलाइजेशन में पहले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हमने दिया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स के अंदर दो इवेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, एक गैमिटोजिनेसिस और सेकेंड गैमिट ट्रांसफर. पढ़े थे कि नहीं बेटा? तो इवेंट्स के अंदर इवेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मेल एंड फीमेल के गैमिट, गैमिट का फॉर्मेशन और गैमिट कैसे ट्रांसफर होंगे मेल गैमिट फीमेल गैमिट पे, फीमेल गैमिट के पास, उसको क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में. फिर उसके बाद पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, एंड लास्ट पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी. तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक में क्या था कि फ्लावर, फर्स्ट टॉपिक द फ्लावर. फ्लावर इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन, फैसिनेटिंग ऑर्गन. फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है? आकर्षक अंग. जो प्लांट्स के पास एक ऐसा अंग है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए महत्वपूर्ण है, वो है उनका फ्लावर. जैसे कि मान लो कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्ट, मान लो कि फ्लावर है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है. आप बगीचे में गए, आप जैसे ही अंदर गए, एक फ्लावर को देख के आपके अंदर आकर्षण आया और आप उसके पास गए, उसको टच किए, टच किए, वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो वहाँ पे प्रिपेयर हो गया था, ठीक, आपके फिंगर पे लगा. और फिर आपको सेकेंड फ्लावर दिखा, वो भी उससे ज़्यादा खूबसूरत था. आप आगे बढ़े और उस फ्लावर को टच किए, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन है वो पूरा प्रिपेयर हो गया था. आपके हाथ से जो, हाथ में जो लगा था मेल गैमिट टच करने से, और फिर आप टच किए फीमेल गैमिट, वो फ्लावर को जो आकर्षक दूसरा फ्लावर था उसको टच किए, तो वहाँ पे आपके हाथ में लगा हुआ गैमिट उस पे गिर जाता है, जिससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट स्टार्ट रहता है. जो इसी के लिए फ्लावर को खूबसूरत होना पड़ा प्लांट में, ठीक है. तो हम लोग बात करते हैं फ्लावर, मतलब कि जो हायर प्लांट्स हैं वही सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं, पहला पॉइंट. दूसरा, स्टडी ऑफ फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी. क्या बोलते हैं बेटा? एंथोलॉजी. और जो कृषि, किसान इसकी खेती करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर. क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर. देखो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे दो चीज, एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा इवेंट्स पे. जैसे कि जितने प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सब सारे प्रोसेस को हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे. पहले तो हम लोग मॉर्फोलॉजी बात करेंगे. मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या है और किस क्या चीज़ की वजह से फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन कहलाता है, ठीक है. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है वही सिर्फ आकर्षण अंग है, वही सिर्फ आकर्षण का केंद्र है. अदरवाइज प्लांट में कुछ भी नहीं आकर्षण का केंद्र, लेकिन हाँ बहुत लोगों को ग्रीन लीफ से भी आकर्षण होता है, सबको होता है, ठीक है. अब उसी फूल के खूबसूरत की वजह से हम लोग, अभी आपका फेब्रुअरी आ रहा है, आपने पार्टनर को लेके जाएंगे, फूल से फूल बनाएंगे, ठीक है. अब उस फ्लावर का हमारी लाइफ में यूज क्या है? फ्लावर एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू की वजह से हम
के लिए हम लोग यूज करते हैं उस फ्लावर को, ठीक है, जैसे कि अफेक्शन, लव अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉरिंग, ठीक है। अब एनसीईआरटी लिखती है कि आप कुछ पांच फ्लावर का नाम बताइए जो आप अपने घर में सजावट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं एट होम्स एंड अ गार्डन्स फॉर द वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंटल, मतलब तो सजावट वजावट के लिए, ठीक है। फाइंड आउट द नेम ऑफ फाइव मोर फ्लावर्स आर यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन क्यों है, कैसे है, इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं इवेंट्स पे, डायरेक्टली हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग दो बात किए थे, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। देखो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये कहता है कि जो फ्लावर है, जो प्लांट, पहले पहले तो फ्लावर आया नहीं है प्लांट से, प्लांट से फ्लावर आता है, तो प्लांट्स में होता क्या है, प्लांट्स में फ्लावर आने से पहले प्लांट प्लांट ये डिसाइड करता है कि हमें स्ट्रक्चरली चेंज क्या करनी है, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरली चेंज होने के साथ साथ उसमें हार्मोनल चेंज भी होता है, ठीक है बेटा। जिसके वजह से जब ये सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं, जैसे हार्मोन जो होता है प्लांट फ्लावर को इनिशिएट करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्ट्रक्चरल चेंज होने के बाद तब ये प्लांट डिसीजन लेता है कि हमें एक डिफ्रेंशिएट होके डेवलपमेंट करना है फ्लोरल प्रिमोर्डियम को, जिसके वजह से प्लांट फ्लावर को अपने ऊपर ग्रो करता है, मतलब जन्म देता है। अब व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस को एक टर्म में बात किया गया था, मॉर्फोलॉजी में बात किया हो गया होगा, 11th में आप पढ़े होंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा इन्फ्लोरेसेंस को, कमेंट सेक्शन में आप इन्फ्लोरेसेंस के बारे में लिख सकते हैं। वैसे भी पूरा लाइन हमने समझा दिया इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इन द फ्लावर, फ्लावर में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग जब बात किए थे तो उसमें बात किए थे मोनोसियस एंड डायसियस। मोनोसिस जो प्लांट होता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक, बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी। तो इसमें बात कर रहा है इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एंड्रोसियम, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं गाइनोसियम। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें भी एंड्रोसियम डेवलप होगा और गाइनोसियम डेवलप होगा, अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो आइदर एंड्रोसियम डेवलप होगा और अगर वो उसमें फीमेल है तो गाइनोसियम डेवलप होगा। तो जैसे कि हम ह्यूमंस में भी होता है कि हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम लोग ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद थोड़े समय बाद हम लोग के दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाते हैं, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट होते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। वैसे ही इन प्लांट्स में भी होता है कि जब वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को शो ऑफ करते हैं, जिससे पता लगता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। चलो अच्छे समझ में आया ना बेटा। यू वुड रिकॉलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ होल स्टैमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द गाइनोसियम अच्छा ठीक है। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका मेन चीज होता है स्टैमेन, और ऊपरी जो भाग होता है एंथर, और ये पार्ट होता है फिलामेंट, स्टॉक लाइक सिलेंडर, स्टॉक लाइक फिलामेंट। और जो गाइनोसियम जो होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम ये होता है। दिस वन इज स्टिग्मा जो कि चिपचिपा होगा, और ये नेक जो होता है वो होता है स्टाइल, एंड ये पोर्शन जो होता है जो बल्ज फॉर्म में होता है फैला हुआ गोल सा, इसे कहते हैं ओवरी, क्लियर। ये देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का हमने एक इमेज लगाया, जो कि एनसीईआरटी में ये इमेज नहीं है बेटा, पर मैंने लगाया है ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए, जिसके लिए मैंने रखा है ये देखिए।
अब मैं जो अब खुद मैं लिखा हूँ उसको मैं मिटाता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इन चीज़ों को। ठीक, ये देखो स्टेमेन है, स्टेमेन का पार्ट है पॉलन जो ऊपर से रिलीज होता है, एंथर जो रिलीज करता है पॉलन होता है, और ये फिलामेंट राइट, और ये जो नीचे जो होगा होता है स्टेमेन होता है, और ये फीमेल का पार्ट है पिस्टिल का पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक तरह से हम लोग बोल देते हैं पिस्टिल, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक तरह से हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। तो एंड्रोसियम को या तो एंड्रोसियम बोल सकते हैं आप या स्टेमेन बोलते हैं, या आप तो गाइनोसियम बोलिए या फिर पिस्टिल बोलिए। पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, अंदर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ओव्यूल। ठीक, और ये देखो जो आपको आकर्षण करता है, आकर्षण का केंद्र जो होता है वो बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है पेटल एंड सेपल। ठीक है, अब आप किसी बगीचे में जाना तो कहना ओ दिस इज अ पेटल दिस इज सेपल, इतना अंग्रेज मत बन जाना बेटा। चलो आगे बढ़ते, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक, जैसे कि हम लोग स्टेमन की बात कर लेते हैं, स्टेमन व्हाट इज द स्टेमन, इसको एक और टर्म बोलते हैं एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, स्टेमन होता क्या है, द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टार्क लाइक फिलामेंट। देखो स्टेमन ये रहा, ठीक है, बना दे रहे, ये पार्ट हुआ एंथर, ये पार्ट हुआ स्टेमन, एंड देन ऑन दिस, देन दिस वन इज फिलामेंट। और फिलामेंट के बारे में ही इन्होंने बात किया है, स्टार्क सिलेंड्रिकल स्ट्रक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। और एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। आगे बढ़ेंगे बात करेंगे हम, अब बात करते हैं द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का अटैच होता है थैलमस से या पेटल से और फ्लावर से। ठीक है, ये एंड होता है प्रॉक्सिमल एंड, और ये पार्ट होता है डिस्टल एंड। क्लियरली आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा पूरे चीजों को, आप अच्छे से देखें। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन, अच्छा सिंपल सी बात है कि आप एक फ्लावर को उठाए उसमें का आप स्टेमेन निकाले। जब हम 12th क्लास में थे तो हमारे यहाँ एक, वैसे इज बेसिकली होता तो है नहीं, पर एक लैब हुआ था, लैब में सर ने स्टेमेन को कटवाया था। स्टेमेन जैसे कि एक गुड़हल का फूल होता है जो कि बाहर के रूप में निकला होता है, उस पार्ट्स को हमने काट के देखा था। जब ऐसे ही अगर आप सबका लेंथ अगर देखेंगे ना, तो सब हर एक फ्लावर में, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में स्टेमेन का लेंथ शेप वो सब वेरी करेगा। ठीक ना, इफ़ यू वेयर कलेक्ट द स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर मान लो कि 10 फ्लावर का आप 10 फ्लावर का स्टेमेन आप कलेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप पाएंगे उनको अगर स्लाइड पर अरेंज किए तो उसमें आप पाएंगे लार्ज वेरिएशन होगा साइज में। ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर डेसिकेशन डेसिकेटिंग माइक्रो माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप से आप पूरा देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये रहा पूरा स्टेमेन का, एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, मैंने पूरा एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ उठाया है, बस एनसीईआरटी लिख नहीं रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं या फिर कमेंट नहीं करते तो व्हाट्सएप पे बोल देते हैं कि सर भैया आपने एनसीईआरटी नहीं टच किया। बेटा सारी हर एक लाइन एनसीईआरटी से टचअप है, और जो आपको इमेज दिख रहा है ये आप देख सकते हो कि फिगर 2.2 एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, अब देखो मैंने चीज़ों को कंसाइज किया है कि आप अच्छे से समझ पाओ, जो लिखा हुआ है वो अलग साइड, मैंने जो लिखा है उसको आप अच्छे से समझो। स्टेमेन, सो टू पार्ट्स टिपिकली फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, फिलामेंट जो होता है स्टॉक एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जो ये पार्ट होता है ये होता है फिलामेंट, और ये एंथर। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है डिस्टल एंड, और नीचे वाला पार्ट होता है प्रॉक्सिमल एंड। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और ईच एंथर लो उसके लोब में दो डिवीजन होता है। देखो यहाँ डिवीजन किया गया, ये डाइथिकस, इसे कहते हैं डाइथिकस डिवीजन। और डाइथिकस एंथर को अगर हमने पूरा एक टीएस सेक्शन में काट के रख दिया है, अब देखो देखते हैं कि हम अगर अंदर बाहर से अंदर घुसते हैं तो पहले लेयर पड़ता है एपिडर्मिस। ठीक, उसके बाद सेकेंड लेयर पड़ता है इंडोथीसियम, एंड थर्ड लेयर पड़ता है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर पड़ता है टैपेटम, और उसके अंदर पड़ता है स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनस टिश्यू।
इसी में मेल जर्म सेल होते हैं, ठीक, स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये होता है टैपेटम। अब इन सारे चीजों के बारे में हम लोग आगे स्लाइड पे पढ़ेंगे। मिडिल लेयर क्या काम करता है, एपिडर्मिस क्या काम करता है, एंडोथीसिस, इन तीनों को मिला के एक सपोर्टिंग लेयर प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि अंदर, जैसे कि हम लोग का स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है सेमीफेस्टिबल्स, उसमें हम लोग का स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होता है, जिसके वजह से ये लेयर जो होती है ना, एक्सटर्नल लेयर, ये एक्सटर्नल लेयर उसको डाइजेशन मतलब फटने या पचकने, या किसी, जैसे कि मान लो हवा चली तो कोलैप्स ना कर जाए या फट के बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ये लेयर काम करती हैं, जो आपका होता है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, और जो बीच में एक लिंक बनाता है होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। जो टैपेटम होता है, टैपेटम क्या करता है, स्पोरोजेनस टिश्यू को नरिश करता है, नरिश मतलब कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि भैया तुम खाओ पियो और अच्छा अच्छा पोलन ग्रेन बनाओ, जिसके वजह से आने वाली पीढ़ी तुम्हारी अच्छा प्लांट हो, खूबसूरत और भी फैसिनेटिंग ऑर्गन उसमें फ्लावर का डेवलप हो, समझे बेटा। चलो देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम हमने लिया है, क्लियरली एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, और एनसीईआरटी के डायग्राम को ये ट्रांसवर्स सेक्शन में काट के रखा गया था, जिसको हम एनसीईआरटी ने ही पूरा क्लीन करके रखा है। देखो, ये एंडोडर्मिस, सॉरी इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, टैपेटम, ठीक है। हाँ, एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टेड ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द कॉर्नर टू इन ईच लोब। क्लियरली सब कुछ मैंने समझा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। इन ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग देखे हैं तो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है अपीयर नियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन पे पूरा है, क्लियरली दिख रहा है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर फोर वॉल लेयर, देखो चार लेयर से सराउंडेड है, एक है इपिडर्मिस, सब बता चुके हैं हम, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। देखो लाइन क्या कह रहा है, द आउटर थ्री लेयर परफॉर्म करती हैं फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइजेशन डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। जब पोलन पूरा मेच्योर हो जाए तो उसको फट के बाहर निकलने के लिए, या फिर उसको कोलैप्स ना हो, कोई भी हवा हवा चले तो वो खराब ना हो, जिसके वजह से वो पूरा हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है बेटा। द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होता है टैपेटम का, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशेस मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड, न्यूट्रिशन का उसको प्रोवाइड करता है कि लो बेटा तुम पोलन ग्रेन हो, तुम आगे चल के नए प्रजातियों को डेवलप करने वाले हो, तो तुम अच्छे से खाओ, खुश रहो, ठीक है। टैपेटम, टैपेटम पॉजिटिव डेंस साइटोप्लाज्म, ये चीज याद रखना, टैपेटम में जो अंदर होता है वो उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस वही जो होता है साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें उसका केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म में एक हम लोग पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म द मेन एरिना ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन सारे होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है ना आपको। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, मोर न्यूक्लियस एट द कॉर्नर्स टू ईच इन लोब। अब बात करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपेटम पढ़ लिए, सारे उसके बाहरी लेयर को पढ़ ली, अब स्पोरोजिनस टिश्यू है क्या। स्पोरोजिनस टिश्यू जो टैपेटम के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, और ये यंग एंथर में बनता है, ओल्ड एंथर में कहाँ से बनेगा, ओल्ड एंथर जो होगा उसके अंदर खुद ही अपने जीने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए अपने अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन ग्रेन को बना पाए, इसलिए ये यंग एंथर में ही बनता है। और जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवाइड होता है, बाद में चल के टोयन में, और फिर वो म्यूटिकली डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राहेड का फॉर्मेशन करता है। और माइक्रोस्पोर जो होते हैं अरेंज इन क्लस्टर ऑफ द फोर सेल्स, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो अरेंज होते हैं चार फोर सेल्स में, जो कि एक गुच्छा के रूप में दिखता है, ठीक है, क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में। देखो अब ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड बने हैं वो बाद में डेवलप करके और वो जर्मिनेट करके बनाते हैं पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन ही तो है मेल गेमेटोफाइट, समझे बेटा, जो पोलन ग्रेन ही है वही तो है मेल गेमेटोफाइट।
देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, क्लियरली जो मैंने ये ऊपर एनसीईआरटी ऐसे करके नहीं दिखाई है, पर मैंने एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ मरोड़ दिया है एकदम, कि आपको एकदम अच्छे से समझ में, अगर फिर भी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि पूरे तरीके से आपको इस चैप्टर को एक एक पॉइंट पे आपको छूटे ना, कोई भी चीज़ आपसे ये ना हो कि आप एक्सप्लेन ना कर पाए, हर एक चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे आपको नॉलेज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, समझते चलिए। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डाइजेशन ऑफ एंथर। इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म बनते हैं और फिर जब एंथर का डाइजेशन होता है, फटता है एंथर, तो वो रिलीज होते हैं। फिर पॉलन ग्रेन का होता क्या है, द पॉलन ग्रेन है क्या, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ऊपर लिख भी दिए हैं, ये एनसीईआरटी लिखी हुई है, उसके पहले हमने सब लिख दिया है बेटा, तो तुम्हें एनसीईआरटी लाइन पे आओ, उससे पहले मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया ना कि तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन हर एक ईजी लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हिबिस्कस, एक प्लांट है। ठीक है ना, उसके बारे में कह रहा है कि इफ़ यू टच द, हमने स्टार्टिंग पॉइंट में बताया कि अगर आप फ्लोरिकल्चर जहाँ किसान कर रहा होगा उसके, अगर आप बागवानी में जाएंगे तो आप अगर किसी भी एंथर को टच की, मतलब किसी भी फ्लावर को टच किए, सपोज उसका एंथर आपके उंगली में लग गया, जैसे कि आप हिबिस्कस प्लांट, गुड़हल का जो पेड़ होता है, उस फ्लावर जो होता है उसमें आप टच करते हैं तो येल्लो येल्लो का हाथ पे आप लग लग जाता है। ठीक है ना, वही होता है पोलन ग्रेन। अभी हिबिस्कस एंड अदर में पोलन ग्रेन टेक्स ऑन अ साइड देन यू विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अगर उसको आप उठा के माइक्रोस्कोप पे देखें तो क्या क्या देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं और उसके अंदर डिजाइन कैसा है वो भी देख सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स के फ्लावर को आप उठा उठा के ऐसे देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं और डिजाइन देख सकते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन का साइज शेप है क्या, 20 से 25 माइक्रोमीटर का होता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन पे ये उभरा उभरा स्ट्रक्चर क्या है गुरुजी बताइए, जो तो देखो बेटा, जो उभरा हुआ ये स्ट्रक्चर है वो होता है एग्जाइन, और जो गोल सा राउंडेड राउंडेड गोल गोल वो होता है इंटाइन। ठीक है, और इंटाइन जो होता है इनर लेयर होता है, इनर लेयर जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, थिन होता है, और ये बना किससे होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का, और जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना बेटा वो होता है एग्जाइन, और एग्जाइन जो होता है हार्ड होता है। ठीक है ना, और वो बना आउटर लेयर है और वो डिसकॉन्टिन्यूस है और थिक है और बना किससे, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है जिससे बना होता है स्पोरोपोलिनिन, और ये क्या करता है, एकदम हार्ड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है कि फटे ना हो, टूटे ना, बिखरे ना, खराब ना हो। ठीक, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है किससे, टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो खराब ना हो, उसका जो स्पोरोपोलिनिन जो होता है एसिड से, एल्कलाइन से, हार्मोन से, इस सबसे रेजिस्टेंट होता है, विथ स्टैंड, आगे पढ़ेंगे आपको, एग्जाइन इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली एल्कलाइन, नो एंजाइम डेट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इसोफरनो। आप जितना भी जानते हैं एंजाइम, उस कोई भी एंजाइम इस पे वर्क नहीं कर सकता, ना ही एसिड का वर्क होता है, ना एल्काइन, ना ही एल्कलाइन, ना ही हार्मोन, किसी का भी इस पे कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिनिन को, इसलिए ये स्पोरोपोलिनिन, देखो सिंपल सी बात है, अगर न्यू जनरेशन बनानी है तो भैया बहुत स्ट्रांग तो रखना पड़ेगा ना, तो ये स्पोरोपोलिनिन की कोटिंग होती है हार्ड, जो कि हार्ड होती है और मोस्ट रेजिस्टेंट होती है। पॉलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर, वेयर जो प्रोम एग्जाइन में जो बीच में वो छोटा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है उसमें, उसी में ये से उसी को कहते हैं जर्म पोर, बीच में स्पेस होता है, वेयर स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट, जहाँ स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, और अब्सेंट होने की वजह से क्या करता है, पॉलन ग्रेन आर वेल वेल प्रिजर्व एज फॉसेस। अच्छा, जो स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड होता है, लाइक फॉसिल्स, जैसे जीवाश्म जो होते हैं उनके, वो बहुत तरीके से, मतलब कि अगर उनको कोटिंग करके रख दिया जाए तो वो
बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। वैसे ही इनके ऊपर एक स्पोरो पॉलन होता है, कोटिंग होता है, जिसकी वजह से ये बहुत साल तक ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है। और जो एग्जाइन में एक एपर्चर होता है जो कि जर्म पोर कहलाता है, जहाँ स्पोरो पॉलन अब्सेंट होता है। ठीक है, क्यों अब्सेंट होता है? वहाँ से पॉलन को निकलने के लिए, फटेगा तो कहीं ना कहीं से तो होना चाहिए ना। जैसे कि आप दुकान से कोई मार्केट से खरीद के लेके आते हो पैकेट, तो पैकेट देखते होगे आपको कैची का निशान दिया होता है कि यहाँ से कैची से कट करना है, वैसे ही स्पोरो पॉलन भगवान देखो जो नेचर बनाया है कितना अच्छा से बनाया है, पहले से ही निशान दे रखा है कि यहाँ स्पोरो पॉलन होगा नहीं, और पहले से ही अब्सेंट कर रखा है कि फट के बाहर निकल जाए जब वो पूरे तरीके से मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए, और न्यू ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइज करने के लिए जाके वहाँ पे क्या नाम है कि स्टिग्मा पे, तो वो बाहर निकल सके। अब जो एंड्रोसियम है, जो मेल पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, वो मेच्योर पॉलन ग्रेन कंटेंस टू सेल, मेच्योर होता है तो टू सेल सकता है। कौन कौन? एक वेजिटेटिव एंड वन सेकेंड वन इज जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल्स है क्या? वेजिटेटिव सेल्स इज अ बिगर, देखो वेजिटेटिव सेल्स यहाँ दिख रहा है, वेजिटेटिव सेल्स जो होता है बिगर होता है, और इसमें फूड मटेरियल रिजर्व रहते हैं, एंड लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी इसमें इरेगुलर शेप में होता है वेजिटेटिव में। लेकिन जेनरेटिव सेल्स होता है स्मॉल होता है, वेजिटेटिव सेल्स लार्ज होता है, जबकि जेनरेटिव सेल्स स्मॉल होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स के इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसके अंदर भी एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द एंड्रोसियम इज टू सेल स्टेज, बट 60% एंजियोस्पर्म या एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट द टू सेल स्टेज, बट इन 40% में, 40% देखा जाए तो जेनेटिव सेल्स डिवाइड कर जाता है मेटोटिकली टू मेल गैमिट्स में, जिससे कि थ्री सेल स्टेज बन जाती हैं। क्लियर, समझ में आया ना? ठीक है, अभी अभी हम लोग पॉलन ग्रेन पे ही बात कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जी, एंड देखो जब कैरेट ग्रास जो होता है ना, क्रोनिक जो होता है कैरेट ग्रास, ये जब अमेरिका से गेहूं का इंडिया में ट्रांसफर हो रहा था ना, तो उसी में आ गया था कैरेट ग्रास। और कैरेट ग्रास क्या करता है, मतलब कि ये एलर्जी कॉज कर देता है। पॉलन ग्रेन्स, उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवर एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लेक्शन, मतलब कि आपके फेफड़े फेफड़े में जलन होने लगता है, जिसको आप इनहेल करते हैं तो फेफड़े फेफड़े में जलन होने लगता है। ये कुछ पीपल में होता है, क्योंकि देखो एलर्जी में आईजीई जो होता है, क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन स्नोफिल बढ़ जाता है, स्नोफिल बढ़ने से एलर्जिक रिएक्शन होता है, और एलर्जिक रिएक्शन छोटे छोटे धूल या फिर अगर पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं तो नाक में अगर इनहेल हो जाए या सांस के थ्रू, मतलब कि कैसे भी अगर सांस के थ्रू अंदर चला जाए, तो वो कॉज कर देते हैं ब्रोंकियल अफ्लेक्शन, मतलब ज्वलन होता रहता है, और उसके बाद अस्थमा हो जाता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो होता है वो होता है अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इट मे बी होता है पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये कॉज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, और इसे कहते हैं पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी से मुझे याद आया कि बचपन में मुझे भी स्नोफिल का प्रॉब्लम था, हमेशा स्नोफिल बढ़ जाने की वजह से स्नीजिंग उनीजिंग या फिर खांसी, बहुत तेज सांस ऊपर नीचे होना, ये सब हो जाती हैं। इस टाइम मेरे बड़े भाई में अभी इलाज नहीं करा रहे हैं। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन जो होता है, देखो कुछ एथलीट्स पॉलन ग्रेन के न्यूट्रिएंट्स हाई होने की वजह से, पॉलन ग्रेन में कुछ एथलीट जो होते हैं वो इनका सेवन करते हैं, और सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि अब मान लो कि रेस हो रहा है और उन्हें उसने पॉलन ग्रेन खा लिया और न्यूट्रिएंट में हाई है, ब्लड
लॉट्स ऑफ एनर्जी उसको मिल जाती है और वो थकता नहीं है। तो इसको देखते हुए जो गेम के मेंबर्स होते हैं वो इन्होंने उन्होंने इन सब चीज़ों का बैन लगा दिया। और ये पॉलन ग्रेन आते हैं किस फॉर्म में, या तो सिरप में आते हैं, टैबलेट्स में आते हैं, और ये आते हैं फूड सप्लीमेंट्स में, एज अ फूड सप्लीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज इसको सेवन ज़्यादा करती है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स सीरप्स अवेलेबल इन द मार्केट। देखो इमेज, सारे इमेज और सारे पैराग्राफ हमने एनसीईआरटी से उठाया बेटा, किसी ने कहा ना एनसीईआरटी से नहीं उठाऊंगा, एनसीईआरटी फेंक के मारूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी से ही उठाया है सारे, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी का रखा है, उठा के मिला के देख लेना, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, जब भी पढ़ो ना तो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, मूर्ख नहीं बना रहा हूँ, सच बोलता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में देखो यहाँ पे वो चीज़ें, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। दे आर सेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड, देखो पोलन ग्रेन्स, अब देखो पोलन ग्रेन्स जाएंगे कैसे फर्टिलाइज करने के लिए, तो भाई एजेंट की जरूरत है पोलन ग्रेन्स में, या तो विंड की जरूरत है, या फिर एयर की जरूरत है, या फिर उसमें इंसेक्ट की जरूरत है, या फिर ह्यूमन बींग की जरूरत है। उनमें पैर तो लगे हैं नहीं कि वो जाके अपने फीमेल पार्टनर को जाके फर्टिलाइज कर दें, तो एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एजेंट को, एजेंट की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ही वो अपना फ्लावर्स जो होते हैं उसको बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, कि कोई भी एजेंट आए टच करें हमें, टच करने के बाद हम अपना पोलन ग्रेन पर चिपका दें, और वो पोलन ग्रेन चिपकने की वजह से वो, अब वो पोलन ग्रेन चिपक गया, और पोलन ग्रेन चिपकने के बाद वो जाके अब फीमेल फ्लावर्स होती है वो और भी अट्रैक्टिव होती है, वो वहाँ बैठा तो वहाँ पर पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद पोलन ग्रेन जैसे ही वहाँ रिलीज होगा, वहाँ पर अब केमिकल डायलॉग चेंज होना स्टार्ट होंगे, वो फीमेल प्लांट होगी, वो वहाँ वहाँ पे मेल गैमिट जो होता है पोलन ग्रेन वहाँ गिरा रहेगा, उसके वजह से वहाँ पे केमिकल डायलॉग होगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, केमिकल इंट्रैक्शन होगा। अगर वो उस स्पीसीज के होंगे जिसका वो फीमेल प्लांट है, उसी स्पीसीज का मेल होगा, तो केमिकल डायलॉग से उसे अंदर जाने देगा और कहेगा कि आओ आओ मेरे अंदर आओ, ठीक है बेटा चलो, ज़्यादा मत रे, थोड़ा सा समझो, अच्छे से समझो। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन, देखो पोलन ग्रेन का स्टोर कर कितने समय तक सक कर कितने टाइम तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन। कुछ पोलन ग्रेन्स हैं जिनको हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते, जैसे कि वीट, राइस वगैरह वगैरह सीरियल्स हैं। जबकि एक टर्म याद कर लो, मैंने जब पढ़ाई किया था तो मतलब प्रिपरेशन किया था, तो मैं अपने लैंग्वेज में बहुत बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और बहुत ट्रिक बनाए थे याद करने के लिए। तो जो 30 महीने तक, मतलब 30 दिन तक जो रह सकता है, 1 मंथ तक, तो एक 16 फिल्म आई थी, रोज 16 लगी, रोज से रोजेसी फैमिली, एस से सोलोनेसी एंड एल से लेग्यूमिनेसी, ठीक है, 30 दिन तक रोज से रोज 16 लगी। तो जो रोजेसी सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी का पोलन ग्रेन 30 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसको मैंने ट्रिक दे दिया बेटा, रोज 16 लगी 30 दिन तक, ठीक ना। अच्छी मूवी थी 16 वैलिडिटी फॉर मंथ्स, तो 30 दिन मतलब मंथ्स, क्लियर। चलो यू मे हैव हियर टू, अच्छा आप ये सोचे होंगे जैसे IVF होता है, जैसे कि स्टोर किए जाते हैं स्पर्म को इन सब चीज़ों के लिए, तो ऐसे ही प्लांट में पोलन ग्रेन को भी स्टोर किए जाते हैं। किस डिग्री सेंटीग्रेड पे? 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देख रहे हो 1960 लग रहा है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। किस लिए स्टोर करते हैं? हम लोग स्टोर करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। और ये जो स्टोर होता है, स्टोर पोलन कैन बी यूज एज पोलन बैंक, पोलन बैंक में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप पैसा ऐसे रखते हैं किसी बैंक में रखते होंगे बेटा, तो वैसे ही यहाँ पोलन जो रखा जाता है वो पोलन बैंक में रखा जाता है, और सिमिलर टू सीड बैंक, ऐसे ही सीड बैंक भी है। तो हम लोग अभी कहाँ तक क्लियर कर चुके, वैसे स्लाइड अब एम्प्टी है। तो हमने आज फीमेल, सॉरी मेल गैमेटोफाइट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम।
माइक्रो स्पॉन्ज वो क्लियरली समझ लिया कि इसमें मेल जर्म्स या कैसे निकलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, और फिर क्या क्या होते हैं, इनके लेयर कैसे होते हैं, इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, ये कितने टेम्परेचर पे स्टोर हो सकते हैं, इनके हार्ड कवरिंग क्या है, इनर लेयर क्या है, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, फुल ऑन द एनसीईआरटी। किसी ने बेटा कहा ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी फेंक के मारेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है, थैंक यू।